हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को ज्योति डेली ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड, आप लोगों को चाय पीना है, गरम गरम चाय मैं पी रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी आइए और मेरे साथ चाय पी के जाइए। चाय रहिए आपका मन। इधर परी भी है, आप देख सकते हो, ये मेरे भैया है, परी का मामा जी है। तो इनका माथा में चूल अभी मतलब नहीं है, आप लोग देख सकते हो, टकला हो गया है, इसलिए टोपी पहना हुआ है। और इनका नाम है बिपिन। और मैं अभी यहाँ पर ही लाल चाय पी रही हूँ फ्रेंड, अदरक वाला। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर परी भी है। परी क्या खा रही है? चाय। और देखिए यहाँ पर ये चार्ज लगाया, फोन चार्ज से निकाल रहा है। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर चाय है, गरम गरम लाल चाय है, लाल चाय। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ, आलू फूलगोभी का सब्जी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं फूलगोभी तेल हल्दी नमक से फ्राई करके निकाल ली हूँ। और यहाँ पर देखिए धनिया पत्ता रखी हूँ, यहाँ टमाटो रखी हूँ जो अभी सब्जी में डलेगा, और मैं एक वहाँ कट के रखी हूँ, तो मैं ये वाला नहीं डालूँगी, वो वाला डालूँगी। और यहाँ पर भी आलू है, तो ये आलू है, वो भिंडी में सब्जी जो बनेगा उसका। और वहाँ पर देखिए आलू करेला है जो चोखा बनेगा, चोखा हमारे घर पर रोज़ बनता है आलू करेला का, क्योंकि पापा को पसंद है। और यहाँ पर देखिए मेरा आलू फ्राई हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। किन्ना सोड़ा तेनू रब, देखिए यहाँ पर मेरा आलू फ्राई हो रहा फ्रेंड, लकड़ी का चूल्हा पर, आप लोग देख सकते हो। तो लकड़ी का चूल्हा पर खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और इन मतलब ये खाना खाने से गैस उतना नहीं होता फ्रेंड। तो चलिए मैं इसमें अभी मसाला ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर मसाला ऐड कर रही हूँ, देखिए। और कैमरा में पता है दिखता नहीं है, मतलब दिख रहा है सही जगह पर है, इस तरह से दिखेगा फ्रेंड इधर डला जाएगा, इसलिए मैं ऐसे देखती हूँ, क्योंकि कैमरा में देखोगे आप तो यहाँ जाने का यहाँ चले जाएगा हाथ। तो चल सकते। तो मैं मसाला में क्या दी थी आप लोगों को बता देती हूँ, जीरा गोलकी अदरक और लहसुन, और इसमें तो प्याज गला हुआ है देख सकते हो। तो चलिए मैं इसको मिक्स कर देती हूँ फ्रेंड। आज का खुशबू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आ रहा है, पता नहीं सब्जी कैसा लगेगा खाने में, देखिए। कितना अच्छा कलर आया इसका सब्जी का। तो चलिए मेरा मसाला को पकने देते हैं हम, उसके बाद गोभी डालेंगे। फ्रेंड, मैं मसाला को अच्छा से दस से पकने के लिए ढक दे रही हूँ, ये ढका रहेगा तो जल्दी सीज जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है भाप से जल्दी सीज जाएगा। और आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, गर्मी में मेरा मुंह का हाल क्या हो गया है, बेहाल हो गया है। चलिए फ्रेंड, मैं अब इसमें मसाला मेरा पक गया है, मैं अभी इसमें फूलगोभी डालूंगी, देखिए। तो अभी चलिए इसको मिक्स कर देते हैं। तो अभी ये फूलगोभी आलू भी अच्छा तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी। तो चलिए पहले इसको अच्छा तरह से पकने देते हैं। और यहाँ पर देखिए मम्मी भिंडी काट रही है, और वहाँ पर चावल दाल बन गया है, यहाँ सब्जी, ये देखिए चूल्हा में आंच नहीं लग रहा। फ्रेंड, मैं अभी आई हूँ थाली लेने के लिए, क्योंकि मम्मी को अभी देंगे नाश्ता करने के लिए। फ्रेंड, मेरा फूलगोभी आलू का सब्जी बनके तैयार है, और मैं यहाँ पर खाना निकालने के लिए जा रही हूँ। और देखिए यहाँ पर ये बरबट्टी आलू का सब्जी बना रही है, और यहाँ पर दाल है। तो चलिए पहले मैं खाना निकाल लेती हूँ। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा,
तो फ्रेंड मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और मेरा वीडियो पे एकदम व्यूज़ नहीं जाता है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को पूरा देखा करिए फ्रेंड, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, वीडियो में व्यूज़ नहीं आता, बहुत ज़्यादा दिल से बुरा लगता है फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारा इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच करिए ताकि मेरा व्यूज़ बढ़ जाए। तो फ्रेंड चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपना फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड, लव यू, टेक केयर, बाय।